Welcome students to my new Java lecture. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा मेथड ओवरराइडिंग. ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग हमने देख लिया था एंड ये जो टॉपिक है ये भी इनहेरिटेंस में ही आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी. स्टार्ट करते हैं जावा मेथड ओवरराइडिंग. इसकी जो डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस बेसिकली अलाउ करती है आपको कि आप एक डिराइव कर लें क्लास जिसको हम बोलते हैं सब क्लास. ओके, चाइल्ड क्लास आप एक बना सकते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास जो कि सुपर क्लास कहलाती है. यानी आपके पास एक क्लास है ए, वो आपने पहले से बनाई हुई है, और आपने एक और क्लास बनाई है बी, आपने इसमें भी कोड किया हुआ है, इसमें भी कोड किया हुआ है, और बी जो है वो रिक्वेस्ट करता है ए से कि आपका कोड हमें चाहिए. तो बेसिकली बी बन जाएगा चाइल्ड, ए बन जाएगा पेरेंट. जो अपने फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है वो बन जाता है पेरेंट, और जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड. ओके, इसको सब क्लास भी कह सकते हैं चाइल्ड को. सो द सब क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास. सो जो चाइल्ड क्लास होगी उसको पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो वेरिएबल्स हो सकते हैं और जो मेथड्स हैं वो इसको मिल सकते हैं. ये हमारी सिंपल इनहेरिटेंस है. नाउ ओवरराइडिंग क्या है वो देखते हैं. नाउ इफ द सेम मेथड इज डिफाइंड इन बोथ द सुपर क्लास एंड सब क्लास. अब वो कह रहे हैं कि एक मेथड है जो कि पेरेंट क्लास में भी डिफाइन हुआ हुआ है और चाइल्ड में भी डिफाइन है और दोनों के नेम सेम है, देन द मेथड ऑफ द सब क्लास ओवरराइड्स द मेथड ऑफ द सुपर क्लास. तो वो कह रहा है कि बी क्लास का जो मेथड होगा शो वो आपके पेरेंट वाले क्लास को ओवरराइड कर देगा. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर बी ने रिक्वेस्ट की हुई है ए से कि आपका मेथड हमें चाहिए, तो वो भी शो मेथड आ रहा है यहाँ पे और ये भी शो मेथड है यहाँ पे, दो आ गए आपके पास, तो जो एग्जीक्यूट होगा वो आपका चाइल्ड वाला होगा. ओके, सो इफ द सेम मेथड इज डिफाइंड इन बोथ सुपर क्लास एंड द सब क्लास देन द मेथड ऑफ द सब क्लास ओवर राइड्स द मेथड ऑफ द सुपर क्लास. ये अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ. लेट सपोज देखें, एक क्लास है ए, उसमें एक मेथड है शो, एक क्लास है बी, उसमें भी मेथड है शो. बी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका कोड चाहिए, यानी इनहेरिटेंस हमने कर दी. इस केस में ए का जो मेथड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अपनी क्लास वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, इसको नहीं करेगा. इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. सो वी हैव टू क्लासेस. ओके, एक तो ये हमने बनाई हुई है, ये तो पहले की बनी हुई है, ठीक है, मैंने नाम यही दिया हुआ है प्रोजेक्ट को. एक मैं बना लेता हूँ क्लास ए, ठीक है, मैंने क्लास बना ली. इसमें एक मेथड मैं डिफाइन कर लेता हूँ पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम है लेट सपोज शो, और इसमें मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम पेरेंट क्लास मेथड. ठीक है, सो मैंने सिंपल सा मेथड बनाया शो, एक क्लास में बनाया और उसकी डेफिनेशन है. अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लास इस क्लास की चाइल्ड बन जाए. तो कैसे हम करते थे, आपको याद होगा, हम इस क्लास के आगे लिखते थे एक्सटेंड्स, यानी मैं चाइल्ड बनने जा रहा हूँ किस का, इस क्लास का. तो आगे एक क्लास का नाम लिख लें, ठीक हो गया. सो आपकी इनहेरिटेंस हो चुकी है. ओके, नाउ इनहेरिटेंस हो गई तो मतलब कि ये जो आपके पास मेथड है ये भी अब एक्सेस हो सकता है. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ मेन में और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. ओके, और मैं कहता हूँ ओबीजे किसको एक्सेस करो, शो को एक्सेस करो. ठीक है, ये सिंपल सी मैंने अभी आपको चीज़ बताई है. शो मेथड आपकी क्लास ए में डिफाइन है. ओके, नॉट इन दिस क्लास, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे वो आपके इस क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहा है. क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है. अब इसको प्ले कर लेते हैं. अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, आई एम पेरेंट क्लास मेथड, यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट ने, चाइल्ड ऑब्जेक्ट दिस वन जो कि इस क्लास का है, इसने एक्सेस किया है इस मेथड को जो कि दूसरी क्लास में डिफाइन है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनहेरिटेंस. नाउ अब मैं काम करता हूँ, काम ये करता हूँ, ये तो आप देख रहे हैं परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है पेरेंट क्लास का मेथड. मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस क्लास में, ये भी एक क्लास है ना, तो मैं यहाँ पे भी एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड शो. सिग्नेचर सेम रखने हैं. ओके, मतलब के पैरामीटर्स जो डेटा टाइप्स वो सब सेम रखनी है आपने इनके. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम चाइल्ड क्लास मेथड. अब देखें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है. कन्फ्यूजन ये है कि इनहेरिटेंस भी हुई हुई है, ऊपर से शो मेथड यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और इसने अपना भी शो मेथड डिफाइन कर, यानी ये जो मेथड डिफाइन था इसको रीडिफाइन आप समझें कर लिया यहाँ पे.
दोबारा से वहाँ की उसकी देखें डेफिनेशन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे मेथड वही है लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही मेथड है जो डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया जा रहा है पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे हमें ये एरर भी नहीं दे रहा कि दोनों मेथड सेम हो गए हैं या कोई मसला, कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन वो करेगा क्या? आप बस सिंपल एक बात याद रखें, मेथड ओवर राइडिंग में जब मेथड सेम हो जाते हैं दोनों क्लासेस में और इनहेरिटेंस भी आप कर लेते हैं, उस केस में जो प्योरिटी है वो आपके चाइल्ड वाले मेथड को मिलती है। ओके, तो ओबीजे डॉट शो इस केस में एक्चुअली में क्या करेगा, वो अपनी क्लास के शो मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, और आपको ये लिखा हुआ आएगा, देखते हैं अच्छा क्या होता है। याद रखिए क्या हुआ है, आई एम चाइल्ड क्लास मेथड, यानी ओबीजे डॉट शो इस बार ऊपर जाके एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा बल्कि उसने यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ओबीजे एक्चुअली में किसका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का। तो पहले तो इस क्लास में ये शो मेथड नहीं था इसलिए उसने ऊपर वाले को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे एक शो मेथड बना दिया गया तो वो डेफिनेटली अपने वाले को प्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो ये तरीका है आपके पास मेथड ओवरराइडिंग का, जिसमें एक्चुअली में आप पेरेंट क्लास के मेथड को दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं चाइल्ड क्लास में अपने तरीके से। ओके, फॉर एग्जांपल एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, एंड हम कर लेते हैं लेट्स सपोज व्हीकल कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हीकल, सो वी ई सी एच आई सी एल ई। ओके, मैंने ये क्लास का नाम रख लिया है व्हीकल, सॉरी मेथड का नाम रख लिया है। ठीक है, सो हमारे पास एक क्लास है ए, उसमें एक मेथड बनाया मैंने व्हीकल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ कार। ठीक है, व्हीकल में लेट्स सपोज कार आ रहा है। ओके, वी हैव सम प्रॉब्लम हियर, एक्सपेक्टेड है हमारे पास। ओके, ये तो मेथड है, मैंने ये पुट ही नहीं किया। ओके नाउ, ठीक है, सो मैंने एक व्हीकल बना लिया, उससे मैंने कहा कि ये कार है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी एक मेथड बना लेता हूँ, उसका नाम भी रख लेता हूँ व्हीकल, पब्लिक वॉइड व्हीकल। ठीक है जी, वही मेथड बन गया, लेकिन मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन दूंगा वो होगी आई एम बाइक, लेट्स सपोज। ठीक है, ये कार है, ये बाइक है। अब आप मुझे बताएंगे कि एग्जीक्यूट कौन सा होगा जब मैं यहाँ पे करूँगा ओबीजे डॉट व्हीकल, आंसर क्या आएगा? आंसर सिंपल है, आपको मैंने टेक्निक बता दी है मेथड ओवरराइडिंग में। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड में डिफाइन होता है दोबारा से, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है यानी जो उसके अंदर कोड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज कार, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम बाइक, एग्जीक्यूट कौन सा होगा? चाइल्ड वाला। ठीक है, ओबीजे डॉट व्हीकल, ये वाला आपको लिखा हुआ आएगा आंसर में। ओके, मैंने शायद मैंने वो स्पेलिंग गलत कर दी है, ज़रा इसको देख लें। ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, यहाँ पे वो ऊपर वाले को कॉल कर गए, यहाँ पे हैं स्पेलिंग, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत, या तो ठीक है यहाँ गलत हो गए हैं। ओके, अब सही है, सो इसको हम प्रॉपर स्पेलिंग कर लेते हैं। ओके, अब देखें अच्छा, ये तो चलें गलत हो गया था, अभी देखें अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम बाइक, क्योंकि ये वाला मेथड जो है चाइल्ड क्लास का, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ये हमारे लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ तक तो मैं समझ आ गई कि ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है वो दी जाती है चाइल्ड क्लास के मेथड को, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं तो पेरेंट क्लास के मेथड को भी एग्जीक्यूट करूँ। जैसे यहाँ पे शो था आई एम पेरेंट क्लास मेथड, लेकिन आपने देखा था कि एग्जीक्यूट कौन सा हो रहा था, आई एम चाइल्ड क्लास मेथड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वाला भी एग्जीक्यूट हो जाए जो कि पेरेंट क्लास में है। उसके लिए एक सिंपल सा काम करना है और वो ये है सुपर, मैंने इसके बारे में लेक्चर भी बनाया हुआ है सुपर के बारे में, तो सुपर को आप ज़रा सा देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट्स में। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये मेथड एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा, मैं साथ में इसको भी एग्जीक्यूट कर दूं जो पेरेंट क्लास का शो मेथड है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आना है, मेथड के अंदर ही मैं लिख देता हूँ सुपर डॉट शो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ठीक है आप इंपॉर्टेंस तो दे रहे हो चाइल्ड क्लास वाले मेथड को, लेकिन साथ साथ मेरे पेरेंट क्लास के मेथड को भी एग्जीक्यूट कर दो। सो सुपर मीन्स कि हम लोग पेरेंट क्लास के शो मेथड को भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। सो प्ले करके देखते हैं और आप देखेंगे कि आई एम पेरेंट क्लास मेथड भी हमारे लिए अब एग्जीक्यूट हो रहा है जस्ट बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। इसी तरह अगर आपने व्हीकल जो है जो कि पेरेंट क्लास में डिफाइन है, दिस इज कार जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं सुपर डॉट
व्हीकल, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे वो कार का भी कुछ आएगा, दिस इज़ कार, आई एम बाइक, दोनों एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ मैथड ओवर राइडिंग। इसकी जो नोट्स हैं वो मैंने डेवलप किए हैं और इसमें कुछ रूल्स हैं, वो काइंडली आप लोग पढ़ लें, ठीक है। आप लोग देख लें, मैंने इसको प्रैक्टिकली करा दिया आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग मोस्ट वेलकम। उसकी एग्जांपल्स भी चेक करें, कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग उसकी एग्जांपल्स को चेक करें, जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर लें, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।